मैया मैना को जाके खबर कराई मैया अरे धनहीन कर देती पर बरहीन काहे पे सो मैया नाराज हो गई। नारद से कही बरात वापस करो बाबा, बोले शादी ना करेंगे, अब भाई ललीप मारे के मर जाएंगे पर शादी ना करेंगे। नारद ने ज्ञान दिया ये भगवान है, तेरा सौभाग्य है, त्रिलोकी नाथ है, महादेव जी है। अच्छा अरे महादेव जी इधर नंदी परेशान, अब तो पहले ही जाते शादी होने का ये सब भेष ही बनाया गया, अब उनको चुना होगा प्रभु बदल ले। तो इतने सुंदर बन गए भोलेनाथ कि महादेव के समान कोई नहीं दिख रहा है, बहुत सुंदर हो गए। शादी की तैयारी हुई, मंडप पर पहुंचे हैं। हाँ हाँ जाइए मेरे सज्जनों। आज मंडप जब छवा है सबसे पहले बेटी को बुलाया जाता है और बेटी के हाथ पीले करता है पिता। जानेंगे क्यों करता है, क्योंकि बेटी का स्वरूप जो है एक पृथ्वी माँ के समान होता है और पृथ्वी का रंग कैसा होता है, पीला, इसीलिए हाथ पीले किए जाते हैं। तो मेरे सज्जनों आज महाराज हेमांचल ने माता पार्वती के हाथों को पीला किया और कहते हैं अब महादेव जी को जब बुलाया गया है, महादेव जी आए तो मैया ने देखा बाबा से कही शादी तुम्हारे से कोई, दुनिया के ताम झाम है ना,
सर्प है बिच्छू है ये सब इन्हें हटाओ। सो भोलेनाथ ने सर्प मंडप से बांधा, गंगा निकाल के कढ़ाई में रख दी और बिच्छू भी रख दिए, चंद्रमा रख दिया मंडप के नीचे जो डबुए रखे जाते ना मां साहब। भौजी भैया अखिलेश भौजी हाँ तो वही रख दिए। तो मेरे बंधु को ध्यान रखना, अब हमने पढ़ी है भोलेनाथ की माता के साथ बोलेंगे सभी इस पंडित जी लौटपटा कराते हैं, फिर बचन कराते हैं। माता सती और यानी पार्वती और भोलेनाथ के भी हुए, दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया है पतिव्रता धर्म निभाने का, उन्होंने पत्नी व्रत धर्म निभाने का, यानी कई वचन भरे हैं। और उसके बाद में सातवीं भामर पड़ती है, कभी भी सुख दुख में साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा कंगन जो बांधा जाता है ये क्यों बांधते हैं? नमक होता है उसमें मकड़ी होती है और मच्छी होती है, कंबल का कपड़ा होता है, तो इसका मतलब ये है लड़का लड़की अग्नि देव को साक्षी मानकर ये कहते हैं चाहे मुझे नमक से गुजारा करना पड़े मगर मैं अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, चाहे मुझे कंबल ओढ़ के रहना पड़े मगर मैं अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। और मकड़ी का मतलब है जैसे मकड़ी जाल में फंसे फंसे प्राणांत हो जाता है, ऐसे ही जीव इस जाल में जब फंसता है ना तो फिर नाती पंती संती तब तक तो बुलावा ही जाता है कि नहीं है? आया ऐसो जाएगा राजा रंग फकीर और कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बदा जंजीर। सातवीं भावर पड़ी
सब तो गा रहे हैं, अब बेटी साजन की है, पर नांदिया क्या गा रहा है। अरे सासे भैया अब अय्या हुए पड़ी है। और इसके बाद जब महादेव जी चले गए ना तो गंगा ले ली, माताएं गाना गाती बिच गंगा बिच जमुना, ये भोलेनाथ ने गंगा रखी थी उसी में हाथ डुबो के पूजन कर रही थी माताएं, और तभी से ये गाना चला है बिच गंगा बिच जमुना जोरे पाए पसार। हाँ तो ये जितने भी विवाह में संस्कार होते हैं ना, ये सभी संस्कार भगवान शिव जी के विवाह से ही आरंभ हुए। और भाई हम लोग करते आ रहे परंपरागत, भोलेनाथ ने चंद्रमा ले लिया, बिच्छू ले लिए, गंगा ले ली, मगर सर्प भूल गए। आज भी आपने देखा कि दूल्हा जाता जन्माष्टमी में यानी भामरे के बाद, फिर आता गुंद छोड़ने, तो भोलेनाथ भूल गए ना सर्प को, सो दोबारा लौट के आए उसे छोड़ा वहां से। भाई हम लोग लकीर के भगीर कोई करते आ रहे हैं, बोल भोलेनाथ भगवान की। आज बड़े प्रेम से जीवनार दी है, और ससम्मान महाराज यानी हिमालय ने, हिमाचल ने बड़े प्रेम से आज भोलेनाथ को विदा किया है माता पार्वती के साथ। सभी गणों को लेकर के भगवान भोलेनाथ कैलाश जाते हैं। रास्ते में भूतों से कहा भाई अब तुम्हारा काम खत्म है, तो सब भूत अपने अपने स्थान गए, भगवान माता के साथ रहे, तो सुंदर बालक को जन्म दिया जिनका नाम रखा है कार्तिकेय। षडानन जिनके छह मुख हैं, इसी के द्वारा ताड़क राक्षस का उद्धार हुआ है। इस प्रकार ये सती चरित्र और मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन आपने आज सुना है, और इससे आगे की कथा जो है आप लोग कल से सुनेंगे। आज थोड़ा विलम्ब हो गया है, इतना कल से नहीं होगा, और कल से जो है ज्यादा ज्यादा आप लोग या तो जो भी समय रखेंगे, क्योंकि आप लोग समय से घर भी पहुंच सके, और कल से 5 बजे कथा विराम करेंगे, ठीक है। उधर जल्दी बैठेंगे, इधर 5 बजे विराम, तो आ जाइए एक छोटा सा कीर्तन कर लें और इसके